नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बलिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण की कवायद जो है सो तेज़ी हो गई है। यानी गाजीपुर से छपरा तक जो 117.12 किलोमीटर लंबा फोर लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो बनेगा, वो कार्यदायी संस्था ने अधिग्रहित ज़मीनों पर निर्माण के लिए अलाइनमेंट कार्य जो है शुरू कर दिया गया है। उधर भरौली बक्सर के बीच गंगा पर बन रहा है नया पुल का कार्य भी जो है सो अंतिम दौर में चल रहा है, जबकि पुल के पास अप्रोच का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यह फोर लेन लिंक मार्ग ग्रीनफील्ड के इंटरचेंज से जुड़ेगा, यानी गाजीपुर के जंगीपुर से छपरा के रिवीलगंज तक बनने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण को कुल तीन एजेंसियों अलग अलग चार हिस्सों में कार्य शुरू करेगी। यानी 117.12 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो है सो कई ज़िलों से होकर गुजरेगी। ज़िले में कुल करीब 65 किलोमीटर की लंबाई में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है, जो चितवरा गांव से फेफना, मालदेपुर, हल्दी, बैरिया, चांद दियर होते हुए मांझी घाट के बाद बिहार में प्रवेश कर जाएगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर करीमुद्दीन नगर के पास 49D में इंटरचेंज बनेगा। इसके जरिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी जुड़ेगा। इसके अलावा बिहार के बक्सर स्थित फोरलेन को भरौली बक्सर के बीच गंगा पर बन रहे नया पुल के रास्ते फोरलेन लिंक से जोड़ा जाएगा। यह फोरलेन लिंक सड़क 17 किलोमीटर लंबी ऊंचाडीह से भरौली होते हुए बक्सर तक होगा। पुल का निर्माण पूरा होने वाला है और पुल के दोनों तरफ अप्रोच का कार्य जो है सो पूरा हो चुका है। वहीं पूर्व का बना पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण 9 वर्षों से भारी वाहन के लिए प्रतिबंधित हैं, लेकिन पुराने पुल के पास मार्ग का निर्माण शुरू होने से लोगों की उम्मीदें जग गई हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ न्यू अपडेट जो बलिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का था। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।